7 जुलाई 1896, जगह मुंबई का वॉटसन होटल। शाम के करीब 6 बजे शहर के 200 नामी रईस लोग होटल के ऑडिटोरियम में जमा हुए। यहां एक चमत्कार दिखाया जाना था। ऑडिटोरियम के एक तरफ सफेद पर्दा लगा था, जिसके सामने कुर्सियों पर सभी लोगों को बैठाया गया, ठीक वैसे ही जैसे आज थिएटर में होता है। दरअसल कुछ अंग्रेज यहां वो चीज दिखाने वाले थे जिसे सिनेमा कहा जा रहा था। दावा था कि पर्दे पर लोग और जानवर चलते फिरते दिखेंगे। इस चमत्कार को देखने के लिए इन 200 लोगों ने पूरा 1 रुपया कीमत चुकाकर टिकट खरीदा था। और ये छोटी बात नहीं थी, क्योंकि 1896 के उस दौर में 1 रुपया सोने के 1 तोले के बराबर हुआ करता था। यानी 1 रुपए में आप 1 तोला सोना खरीद सकते थे, जिसकी कीमत आज 50,000 के ऊपर है। खैर, कुछ देर बाद ऑडिटोरियम की सभी लाइटें बंद कर दी गईं। सब लोग सामने लगे सफेद पर्दे को एकटक देखने लगे। लेकिन जैसे ही सिनेमा शुरू हुआ, वहां पर हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर दौड़ने लगे, औरतें बेहोश तक हो गईं। लेकिन आखिर क्यों और क्या हुआ था वहां, ये सवाल आपकी तरह हमारे मन में भी है। जानने के लिए चलते हैं उसी ऑडिटोरियम में। आगतम स्वागतम सुस्वागतम, सपनों के शहर में आपका स्वागत है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बीच यहाँ हर रोज आंखों में ढेरों सपने पलते हैं। किसी के सच होते हैं तो किसी के दम। इस शहर की शानो शौकत ही ऐसी है, ना जाने कितने ही लोग यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। ज्यादा कंफ्यूज ना हो, हम जिस खूबसूरत और आलीशान शहर की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि द फिल्म सिटी मुंबई है। जी हाँ, वही मुंबई जहाँ सिर्फ गाड़ियाँ बड़ी होती हैं, लोगों के दिल नहीं। ये शहर फिल्मों की तरह रंगीन तो है, लेकिन सिर्फ पैसे वालों के लिए। अब फिल्मों की बात चल ही पड़ी है तो आपको बता दें कि भारत में हर साल बंगाली, भोजपुरी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, पंजाबी जैसी कई भाषाओं में करीब 2000 मूवी बनती है। वही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड का तो कोई मुकाबला नहीं है। इन फिल्मों में से करीब 35% थिएटरों में लगती हैं, तो वहीं बाकी टेलीविजन या फिर ऑनलाइन रिलीज की जाती हैं, जिन्हें देखने के लिए देश भर में 10 लाख लोगों पर केवल 8 मूवी थिएटर्स हैं। लेकिन 1896 के दौर में तो थिएटर्स या फिर सिनेमा हॉल तो थे ही नहीं। तो भैया, अंग्रेजों ने सभी को चमत्कार दिखाने के लिए मुंबई के जाने माने होटल वॉटसन में इन्वाइट किया, जिसे आज एस्प्लेनेड मेंशन के नाम से जाना जाता है। और मुंबई के काला घोड़ा इलाके में ये होटल आज भी शान से खड़ा है। खैर, उस दिन शहर के 200 नामी रईस लोग यहाँ पर सिनेमा नाम का कोई चमत्कार देखने पहुंचे थे, जिसके लिए उनसे 1 रुपया या यूं कहें कि 1 तोला सोना लिया गया था। सभी के कुर्सियों पर बैठने के बाद ऑडिटोरियम में अंधेरा किया गया और सिनेमा शुरू किया गया, जिसे देखकर वहां बैठे लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। यानी जो दावा किया जा रहा था वो सच निकला। सामने लगे सफेद पर्दे पर जीते जागते लोग दिखाई दे रहे थे। दरअसल पर्दे पर एक फिल्म चल रही थी जिसका नाम था वर्कर्स लिविंग द लुमियर फैक्ट्री। जी हाँ, जिसमें कुछ लोग एक फैक्ट्री से निकलते हैं, और ये वाकई एक चमत्कार था। लोग इस तरह से आंखें गढ़ाए पर्दे की तरफ एकटक देख रहे थे, मानो साक्षात धरती पर भगवान ही उतर आए हों। जुबां भले ही खामोश थी, लेकिन सबके मन में हलचल और चेहरे पर एक सवाल साफ दिखाई दे रहा था कि आखिर कैसे कपड़े के पर्दे पर लोग चल सकते हैं। ये एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी जो महज 40 सेकंड तक चली, जिसे देखकर लोग शॉक थे। वो लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही पर्दे पर दूसरी फिल्म शुरू हो गई। हालांकि ये भी कुछ सेकंड्स की थी। नाम था द अराइवल ऑफ अ ट्रेन, जिसमें एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती हुई दिखाई जानी थी और फिल्म शुरू। पर्दे पर चलती इस ट्रेन को देखकर वहां चीख पुकार मच गई। फिल्म देख रहे लोगों को लगा सच में ट्रेन उनकी तरफ आ रही है और वो मारे जाएंगे। थिएटर में जितनी औरतें थी वो डर के मारे बेहोश हो गई। वहीं ज्यादातर जेंट्स थिएटर को छोड़कर ही भाग निकले। सबको लग रहा था कि आज अंग्रेज उन्हें ट्रेन से कुचलकर मार डालेंगे। 127 साल पहले कुछ इस अंदाज में भारत में सिनेमा दिखाए जाने की शुरुआत हुई थी। अलग इन सब की प्लानिंग पहले से नहीं की गई थी। फिल्म का शो ऑस्ट्रेलिया में होना था और लुमियर ब्रदर्स जो फ्रांस से भारत आए थे, वो लोग ये फिल्म लेकर ऑस्ट्रेलिया जा ही रहे थे कि उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना भारत में ही फिल्में दिखाई जाएं।
बस यहीं से भारत में फिल्में दिखाने का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसे अब 127 साल पूरे हो चुके हैं। ये सब जानने के बाद काफी देर से एक सवाल दिमाग में आ रहा है कि भारत का सिनेमा से इंट्रोडक्शन कैसे हुआ और लोगों ने फिल्मों के बारे में जाना कैसे। हालांकि भारत में सिनेमा 1896 में आया, लेकिन दुनिया में सिनेमा लाने की कहानी जानने के लिए थोड़ा और पीछे जाना होगा, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। बात है 1878 की, जब यूके के वैज्ञानिक एडवर्ड ब्रिज देखना चाहते थे कि दौड़ते हुए घोड़े के चारों पैर हवा में होते हैं या नहीं। इसके लिए उन्होंने 40 स्टिल फोटोग्राफी कैमरे लगाकर दौड़ते हुए घोड़े की एक सीरीज में तस्वीर ली। पैरों की पोजीशन जानने के लिए एडवर्ड ने सारी तस्वीरों को एक एक करके बदल कर देखा। स्पीड में तस्वीरों को बदला गया तो उन्हें वो घोड़ा स्टिल इमेज होने के बावजूद भी दौड़ता हुआ नजर आया। इसके बाद 1888 में फ्रेंच वैज्ञानिक लुईस ली प्रिंस ने मोशन कैमरे का आविष्कार किया और फिर इसी साल 14 अक्टूबर यानी 1888 को इंग्लैंड में उसने मोशन कैमरे का यूज करके पहली मोशन पिक्चर शूट की थी। इसकी टाइमिंग महज 2.11 सेकंड थी और नाम था राउंडहे गार्डन सी। वो अपनी पहली मोशन पिक्चर 1890 को मैनहट्टन में पेश करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही यानी 16 सितंबर 1890 को वो अचानक से गायब हो गए। उनके साथ क्या हुआ, वो कहां गए या क्यों गए, ऐसे कई सवाल वो अपने पीछे छोड़कर चले गए थे। दुनिया को आविष्कार दिखाने वाले लुईस का अचानक गायब हो जाना आज भी अनसुलझी गुत्थी है। भले ही वो फिर कभी दुनिया के सामने नहीं आए, लेकिन हमेशा पहली मोशन पिक्चर बनाने का क्रेडिट लुईस को ही दिया जाता है। लुमिया ब्रदर्स उनके आविष्कार को दुनिया के सामने लेकर आए। उन्होंने साल 1895 में मोशन कैमरे के जरिए द अराइवल ऑफ द ट्रेन की शूटिंग की, जिसकी स्क्रीनिंग उसी साल पेरिस में रखी गई। फिर आगे दोनों भाइयों ने मिलकर 10 और छोटी छोटी मोशन पिक्चर्स बनाई और दुनिया भर में उनकी स्क्रीनिंग करने लगे। इसके बाद स्क्रीनिंग के दौरान आए रईस लोगों ने उनसे मोशन कैमरा खरीद कर खुद भी फिल्म बनानी शुरू कर दी। वहीं लुमिया ब्रदर्स अपनी फिल्मों को लेकर दुनिया भर में घूम रहे थे और पैसे कमा रहे थे। इस दौरान उनका ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान बनता है। वो साल 1896 में अपनी 6 फिल्में लेकर वहां जा ही रहे थे कि अचानक उनका टूर कैंसिल हो गया, जिसके बाद उन्हें भारत में ही रुकना पड़ा। तब भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो लुमिया ब्रदर्स को एक आइडिया आया कि क्यों ना भारत में भी अपनी फिल्में दिखाई जाए। इस दौरान वो दोनों वॉटसन होटल में ही ठहरे हुए थे, तो उन्होंने वहीं पर स्क्रीनिंग करने का फैसला किया और 7 जुलाई 1896 को फिल्म का प्रीमियर हुआ, जहां 1 रुपया टिकट लेकर शहर के 200 नामी रईस लोग फिल्म देखने पहुंचे। उस स्क्रीनिंग में लुमिया ब्रदर ने पहली फिल्म वर्कर लिविंग द लुमिया फैक्ट्री दिखाई। उस दिन भारत में सिनेमा की शुरुआत हुई। लोगों को वो फिल्म इतनी पसंद आई कि भारत में ही दोनों भाइयों का अच्छा खासा धंधा जम गया। इसके बाद साल 1897 में कलकत्ता के स्टार थिएटर में विदेशी फिल्म मेकर प्रोफेसर स्टीवसन ने एक फिल्म की प्रेजेंटेशन की। इस प्रेजेंटेशन को भारतीय फोटोग्राफर हीरा लाल सेन ने अपने मोशन कैमरे से रिकॉर्ड किया और इसके अगले ही साल उसकी स्क्रीनिंग भी की गई। हीरा लाल की इस फिल्म को द फ्लावर ऑफ पर्शिया के नाम से जाना गया, जो 1898 में रिलीज हुई। असल में ये भारत की पहली मोशन पिक्चर थी। एक साल बाद जब एचएस बटावदेकर ने मुंबई में हैंगिंग गार्डन में हुए रेसलिंग मैच के रिकॉर्डिंग की, तो वो भारत में हुई रिकॉर्ड पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी। वहीं 1904 आते बॉक्स ऑफिस शब्द की शुरुआत की गई। फिल्मों की कमाई का अंदाजा लगाने के लिए दरअसल ये शब्द 1786 में थिएटर की टिकट सेलिंग विंडो के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन 1904 से इसे फिल्मों के कलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। सालों बाद दादा साहब टोडने ने 1912 में भारत की पहली फुल लेंथ फिल्म बनाई, जिसका नाम था श्री पुंदले। हालांकि ये एक प्ले की रिकॉर्डिंग थी, इसलिए इसे पहली फीचर फिल्म का दर्जा नहीं मिला। अगले साल 1913 में दादा साहब फाल्के ने राजा हरीश चंद्र फिल्म बनाई, जो भारत में बनी फुल लेंथ फीचर फिल्म है। हालांकि ये एक मूक यानी के साइलेंट फिल्म थी। समय के साथ मल्टीप्लेक्स आए, जिसके बाद टिकट प्राइस में तेजी से उछाल देखने को मिला। आज भी जहां सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर में टिकट की कीमत 120 से 180 के बीच है, वहीं महानगरों के कुछ मल्टीप्लेक्सेस में एक टिकट के 2000 से 2400 रुपए तक चार्ज करते हैं लोग। 25 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म पठान की टिकट गुरुग्राम स्थित एम्बियंस मॉल में 2400 रुपए तक की बेची गई। वहीं हाल ही में रिलीज हुई फिल्म टाइगर 3 के टिकट की कीमत भी 2100 रुपए तक की थी। खैर, दुनिया की पहली रंगीन फिल्म की अगर बात की जाए तो वो थी विजिट टू द सी साइड,
जी हाँ, 8 मिनट की इस फिल्म को जॉर्ज अल्बर्ट स्मिथ ने इंग्लैंड में बनाया था, जिसमें कुछ महिलाएं समुद्र किनारे नजर आती हैं। इसे इंग्लैंड के ब्रिंगटन सर्दन के बीच पर शूट किया गया था। हालांकि भारत में कलर फिल्मों का दौर आने में 19 साल लगे। साल 1937 में भारत की पहली रंगीन फिल्म बनाई गई, जिसका नाम था किसान कन्या। इसे आर्दिशिर ईरानी ने डायरेक्ट किया था। खैर, साउंड रिकॉर्डिंग का आविष्कार तो 1920 में ही हो गया था और 6 अक्टूबर 1927 को दुनिया की पहली बोलती फिल्म यानी द जैज सिंगर रिलीज हुई थी। बोलती फिल्म का मतलब कि फिल्म में किरदारों के डायलॉग्स थे और बैकग्राउंड म्यूजिक भी था। इससे पहले रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी ना होने पर साइलेंट फिल्में ही बनती थी, जिनके लिए पर्दों के पास कुछ ऑर्केस्ट्रा वाले बैठते थे। वो हर सीन के अकॉर्डिंग म्यूजिक देते थे। इस फिल्म को वार्नर ब्रदर्स ने शूट किया। हालांकि शूटिंग के दौरान ही एक भाई को निमोनिया हो गया था, तो वहीं दूसरे के ब्रेन में इन्फेक्शन डिटेक्ट हुआ और कुछ समय बाद ही वो कोमा में चले गए और द जैज सिंगर रिलीज होने के ठीक एक दिन पहले उनकी मौत हो गई। वार्नर ब्रदर्स में से कोई भी फिल्म के प्रीमियर में नहीं पहुंच सका। वहीं अब दुनिया की सबसे लंबी फिल्म की बात करें तो मात्र जोजका का नाम सबसे टॉप पर आता है, जिसकी लेंथ 5700 मिनट यानी 95 घंटे थी। आसान शब्दों में कहें तो ये फिल्म पूरे 3 दिन तक और 23 घंटे तक चली। 1908 में दुनिया की पहली एनिमेटेड यानी कार्टून मूवी रिलीज हुई, जिसका नाम था फैंटास मैगोरी। 1915 में ही फिल्म के सेट्स बड़े किए जाने लगे थे। स्पॉटलाइट और सॉफ्ट फोकस का यूज भी इस समय से ही शुरू हुआ और आज तो आप फिल्मों की क्रिएटिविटी की हद जानते ही हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको फिल्म का ये सुनहरा सफर? कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें।